गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू शेरावा चैन ऑफ लाइफ। मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट अभी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है बेंगलुरु की और आई रीच इन 45 मिनट्स। थोड़ा प्रोसीजर लग रहा चेंज हुआ है, क्योंकि मैं दूसरी जगह से एंट्री किया है अभी। तो पूरा चेंज कर दिया अभी सेटअप, अलग अलग जगह से हम लोग आ रहे हैं और एक नया देख रहा हूँ मैं इधर बना हुआ। वाह, सो अपने पास जो है अभी बहुत टाइम है, अराउंड और आधा घंटा बोर्डिंग के लिए। फ्लाइट में भी थोड़ा टाइम है, फिलहाल कर लेते हैं वॉकिंग, क्योंकि आज मंडे। वैसे नॉर्मली हम लोगों का आज जिम डे नहीं होता है, बट स्टिल आई विल डू द वॉक बिकॉज इतने जल्दी आ गए तो करेंगे। फ्लाइट लैंडिंग ऑफ इंडिगो गो एयर। सो इट इज बेटर टू बी इन मास्क देन नॉट टू बी। मैंने सोचा मास्क नहीं लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, मैंने सोचा मैं भी नहीं लगाता, लेकिन मेरे को लगता है कि मास्क पहनना चाहिए, खासतौर से एयरपोर्ट में। जब बगल में मेरा एक थोड़ी दूरी में एक बंदा छिक के गया, मैंने कहा मास्क लगा लो, मास्क तो लेके आया हूँ मैं, इसके लिए अभी मास्क पहन लिया। पहुँच गए बेंगलुरु, थोड़ा लेट हो गई है फ्लाइट। अभी पार्किंग पे आएगा या किधर आएगा देखना पड़ेगा, थोड़ा पिकअप लेन पे जा रहा हूँ। ऐसे बेंगलोर का मौसम भी मोर और लेस मुंबई जैसे रहता है, लेकिन इट इज़ बेटर देन मुंबई। सो गुड इवनिंग एवरीबडी, जस्ट मैं अभी ऑफिस से घर और 8:03 हो गए हैं। सुबह का बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा मेरा, ऑलमोस्ट 5 से उठे हुए हैं और अब जाके फ्री हुए, और अभी भी ऑफिस का काफ़ी काम करना है, तो दैट वी हैव टू डू। सो आज कुछ खास ब्लॉगिंग नहीं हुई, जो हुई एयरपोर्ट में है, और अब अपने रूम में आए। आई विल जस्ट शो यू द रूम एंड देन देखते हैं खाना पीना कुछ खाते हैं नहीं खाते हैं, बात की बात है। सो रूम इज सेम एक्चुअली, मैं इस होटल में तो मैं पहले भी आके रुका हूँ, बट रूम बदल जाते हैं। सो क्या बदला हुआ वो दिखा देता हूँ। दिस इज लगेज प्लेस, अलमीरा, लॉकर और प्रेस भी है आई थिंक, दिख तो नहीं रही बट होगी। दिस इज जस्ट इन वॉशरूम, ओके दैट्स ऑल। दिस इज अ मिरर एंड अगेन दिस इज अ मिरर। दिस इज द बेडरूम, दैट्स द पेंटिंग आर्टिंग क्या बोल सकते हैं उसको, पेंटिंग, इट्स अ पेंटिंग। दिस इज टीवी, चेयर फॉर वर्किंग एंड द सोफा फॉर सिटिंग, दैट्स द साइड लाइट एंड सुबह का बाहर का। यहाँ से बाहर जो दिख रहा है वो आपको फिलहाल ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट इस तरीके से बेंगलुरु शहर दिख रहा है। वो लाइट वाली एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वही एक लगता है लंबी चौड़ी बिल्डिंग यहाँ दिख रही है, बट अच्छी दिख रही है बाकी। और यहाँ से इस साइड में कुछ नहीं है, सुबह पता चलेगा। सो मॉर्निंग में पता चलेगा क्या है। और इसके अलावा साथ में ये प्योर कॉफ़ी एंड मिल्क एंड ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर मीन्स सम स्वीट लाइक दिस एंड कप बॉटल वाटर, दैट्स ऑल। सो चलिए हो जाते हैं फ्रेश, उसके बाद करते हैं आपसे बात। सो वैसे देखेंगे तो आज मेरा ऑल ओवर 6 8196 स्टेप्स कंप्लीट हुए, और एक्सरसाइज
तो नहीं हुई थी। मूवमेंट मेरा 86% का हुआ है। स्टैंडिंग मेरा 16 घंटे की स्टैंडिंग हुई, 10 घंटे का मेरा टारगेट रहता है, 16 घंटे की स्टैंडिंग हुई है। और दैट्स ऑल। तो कल जाएंगे जिम में, क्योंकि जिम है यहाँ पे, तो जिम में जाएंगे। जिम में जो अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज है उसको हम करते हैं। तो ये स्लीपर्स भी हैं, जैसे मैं अपने स्लीपर्स लेके आया हूँ, और ये शू शाइन भी यहाँ दिख रहे हैं। तो ये चप्पल ली थी मैंने कल जाके। सो जिम देख के आता हूँ मैं। जिम में बोल रहे हैं कि ये 24 घंटे खुला रहता है, तो लेट मी सी कुछ चेंजेस किए हैं। पिछली बार मैंने गया था तो उन्होंने कुछ कम इक्विपमेंट्स थे, तो आज देखते हैं कुछ ज़्यादा है कि नहीं है। सो स्विमिंग पूल तो लग रहा है चालू कर दिया, लेकिन मैं अपनी ड्रेस ही नहीं लेके आया। तो पता होता स्विमिंग पूल चालू किया तो मैं ज़रूर आता यहाँ पर। ठंडा बहुत है वैसे मौसम। सो इक्विपमेंट्स तो हैं, जो मैं करता हूँ वो ये खाली ट्रेडमिल दिख रही है और बाकी बेंच वाला नहीं दिख रहा है, वो एक चैलेंज है। चलो इतने में काम चला लेंगे। तो ये इलिप्टिकल जो है ये दूसरे तरीके की है, यहाँ पे बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन मेरे यहाँ पे दूसरी है। चलो अभी का काम ख़त्म करके फिलहाल करते हैं डिनर। और डिनर भी मैंने हल्का ही मंगाया, क्योंकि दिन भर में कुछ खाया नहीं। जब ट्रैवल करो तो ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो खाली पनीर मंगा दिए। पनीर खाएंगे और उसके बाद सोने की करते हैं तैयारी। ऑलरेडी 9:30 बज गए, 9:11 हो गए। सो ऑर्डर किए हुए भी आधे घंटे से ऊपर हो गया था, 45 मिनट से ऊपर हो गया था। सो अभी खाके फिर सोते। सो चलिए डिनर वगैरह सब हो गया है, अभी हो गया है सोने का टाइम। काम भी हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 बज गए। मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी सो जाऊँ, बट 10:15 हो गए। तो फिलहाल हो गया सोने का टाइम। कल सुबह जिम भी करना है एंड देन फर्दर मीटिंग्स भी हैं। तो खाना पीना भी हो गया। सो व्लॉग को छोटा ही रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैवलिंग जब करते हैं तो ब्लॉग ज़्यादा बनता नहीं। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।